रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल सीजन 12 के 31वें मैच में बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। बेंगलोर की तरफ से पार्थिव पटेल ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए, तो वहीं एबी डी विलियर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 51 गेंदों का सामना किया और 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार 75 रन बनाए। तो वहीं चौथे नंबर पर आए मोइन अली ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली और मोइन अली ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका और 5 दनदनाते छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। मोइन अली और एबी डी विलियर्स की शानदार पारियों के चलते आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 172 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से कॉन्टन डिकॉक ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 40 रन बनाए, तो वहीं आखिर में आए हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों का सामना किया, जिसमें हार्दिक ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 37 रन बनाए और अपनी टीम मुंबई इंडियंस को 1 ओवर शेष रहते ताबड़तोड़ जीत दिला दी। आपको हार्दिक पांड्या की ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।